हिंदी में। अच्छा, ऐसा है कि जो आम्रपाली के जो जिन्होंने ये शुरुआत किया है वो खुद भी जैन है और जैन धर्म है अहिंसात्मक धर्म। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 गुण मेन हैं जो हर जैन को पता होनी चाहिए और उसी के हिसाब से वो अपनी दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी और अपने मिलने जुलने के साथ वो इसी तरह से व्यवहार करते हैं कि ताकि इन 5 गुणों का आगे से आगे बढ़ोतरी होती रहे। क्योंकि अगर अहिंसा दुनिया में है, विश्व में अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, तो लोग खुशहाली से जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आम्रपाली में जो ये फंक्शन हो रहा है 1 जनवरी को, एक तो ये है कि एक नई उमंग के साथ नव वर्ष का आगमन होगा और वो अगर जैनियों के ढंग से और गुरु महाराजों की उपस्थिति में होगा तो उस फंक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद इस तरह से लगेंगे क्योंकि दुनिया में ग्लैमर बहुत है, न्यू ईयर पे तो वैसे ही ग्लैमर बहुत होता है, लेकिन रेलिवेंट कितना है, उसमें सात्विकता कितनी है, अगर ये दृष्टांत देखना है और ज़िंदगी में सात्विकता को आगे लेके जाना है मॉडर्नाइजेशन के साथ, तो ये आम्रपाली में जो ये फंक्शन होगा तो शायद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है, ख़ास करके उनके लिए जो जैनिज्म धर्म के बारे में खास नहीं जानते और ग्लैमर को मिसयूज़ ज़्यादा होता हुआ देखते हैं। जो ग्लैमर को मिसयूज़ होता नहीं देखना चाहते तो वो जैनिज्म के फंक्शंस को देखें कि किस प्रकार से आडंबर नहीं होता लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सब जगह विख्यात वो इवेंट हो जाता है। ये जैनिज्म धर्म में ही ऐसा गुण है और आम्रपाली में भी कुछ ऐसा ही उस दिन फंक्शन होगा, क्योंकि जो जो महाराज साहब के साथ अटैच्ड हैं या जो जैन समाज ये आम्रपाली ग्रुप जी के साथ संबंधित हैं वो सब की आने की संभावना है और सब अपने अपने लेवल पे एक से एक गुणी व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने करियर में कुछ किया है, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाया है और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति खास करके जैन संस्कृति को वो अपने ढंग से आगे लेके जा रहे हैं कि खाने में क्या होना चाहिए, खाने में नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए, जैनिज्म वे ऑफ लाइफ क्या है, जैनिज्म एटिकेट्स क्या है, जैनिज्म मैनरिज्म क्या है, कि एक कीड़ी को भी हमने दुख नहीं देना, उसकी हिंसा नहीं करनी। ये एक बहुत ही सकारात्मक भावना है क्योंकि देखिए, जब कहते हैं दुनिया में 2 तरीके होते हैं जीने के, एक होता है विद गुडनेस एंड क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी ऑफ माइंड, सद्गुणों से जीना, एक दूसरे होते हैं कि कहीं लोग कुछ कहते हैं कि अवगुणों से जीना चाहिए, लेकिन हम इतिहास खोल के पन्नों को खोल कर देखें, ग्रंथों के पन्नों, शास्त्रों के पन्नों को खोल कर देखें, हमेशा हमने यही पाया है कि अंत में विजय धर्म की अधर्म के ऊपर होती है, सत्य की असत्य के ऊपर होती है, अच्छे कामों की बुरे कामों पर होती है, इत्यादि इत्यादि। तो जैन धर्म बेसिकली जितने भी सद्गुण हैं जो मैंने अभी आपको सामने कुछ प्रस्तुत किए, जैन धर्म इनका एक मिश्रित रूप का एक उत्तम स्वरूप है और जैनियों के परिवार, जैनियों के गुरु महाराज, जैन लोग, मोस्टली मैं 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 90% वो यही है कि वो अपने जैनिज्म के ढंग से ही जीना चाहते हैं। वो अगर वो कोई चीज़ फैला रहे हैं, जिस प्रकार हमने देखा है सिखों में सेवा की भावना बहुत होती है, जब वो सेवा करते हैं बहुत उत्तम कोटि की सेवा करते हैं, तो जैनिज्म लोग भी इसी तरह से हैं कि वो अंदर से मन भाव शुद्धि का जो उनका प्रयोजन होता है, आत्मीयता का जो प्रयोजन होता है कि सबके मन पवित्र हों, सबके मन में सात्विकता रहे, सबके विचारों में सात्विकता रहे, तो वो जैनियों की वर्ल्ड में अनडिनाइबली इट्स द नंबर 1। भाईचारे का संदेश, दोस्ती का संदेश और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को आराम पहुंचाने का, दूसरों को सुख देने का, और वो भी सही प्रकार का सुख, इस तरह की क्वालिटीज जैनिज्म रिलीजन में ही मिलती है और दूसरी जगहों में हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी कि जैनिज्म रिलीजन में है।